हेलो एवरीवन, मैं रवि रंजन, आपका दोस्त, आपका होस्ट, जीके विथ रवि रंजन में सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग अपने क्यूज के 12वें लेशन में हैं, मतलब 12वें दिन है। चलिए, तो बच्चे जुड़ने लगे हैं। चलिए, बहुत अच्छा, सब हो जाए धीरे धीरे ऑनलाइन। फिर हम लोग देखते हैं, कुछ सेटिंग में प्रॉब्लम था उसको ठीक कर लेते हैं। चलिए, बहुत अच्छा, जो जो जुड़ गए हैं, विकास, यशराज, ठीक है, हम आप लोग जुड़ते गए हैं। जो जो जुड़ रहे हैं वो शेयर करते रहे, शेयर लाइक कर दे, ताकि और भी। प्रीतम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कोमल, हेलो। चलिए, बहुत अच्छे। चलिए धीरे धीरे, राजेश, गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को बहुत अच्छा क्वेश्चन मिलने वाला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, टफ है लेकिन मज़ा आएगा आज बनाने में आप लोगों को। हेलो नीतू, चलिए बहुत सारे, जो एक बार ऑनलाइन हो रहा है ना, शेयर कर दे अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में और फेसबुक पे शेयर कर दे। गुड मॉर्निंग सलोनी, राम राम सूरज। आप लोग जल्दी जल्दी शेयर कर दे, ताकि बहुत सारे बच्चे आ जाए। आज बहुत अच्छा क्यूज होने वाला है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आई एम फाइन रजाउल, नमस्कार सुनील, गुड मॉर्निंग संतोष, गुड मॉर्निंग राहुल जयकर। चलिए जल्दी जल्दी जुड़ जाए, फिर स्टार्ट करते हैं, आज काफी लेट हो गया। आज लेट हो गया। नमस्कार जयपाल, नमस्कार बाबू, सभी लोगों को आज गुड इवनिंग, गुड इवनिंग रंजीत। देखो ना, ए सतीश, नेट चालू है मेरे में, शो नहीं कर रहा। ऑफलाइन कैसे दिखा रहा है यहाँ? हेलो, चलिए आना शुरू। मेरी आवाज जा रही है, एक बार बोल दे आवाज, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। मेरी आवाज जा रही है तो जल्दी से बोलेंगे। अमन हेलो, जयपाल हेलो, मनु हेलो, सभी बच्चे एक बार मुझे बताएं मेरी आवाज आप लोगों को सुनाई दे रही है। चलिए प्रीतम, हाँ मेरी आवाज सुनाई दे रही है। तो आज थोड़ा लेट हो गया, मेरा नेटवर्क चला गया था, अभी देखते हैं, तुरंत चालू कर देते हैं। आज मोटिवेशनल क्वेट्स हम लोग रात में करेंगे। रोमियो राज हेलो, रंजीत हेलो, चुन्नू बिहारी हेलो, सभी लोगों को आज मोटिवेशनल क्वेट्स लास्ट में कर लेंगे हम लोग। शुरू करते हैं क्वेश्चन। हम लोग क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं मोटिवेशनल क्वेट्स लास्ट में, ठीक है? मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? चलो बच्चे, मेरी आवाज आ रही है सभी को? नेटवर्क इशू ज्यादा हो रहा। चलिए तो पहले क्वेश्चन का जवाब देंगे। चलिए, डायोड का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? ए मॉड्यूलेशन में, बी दोलन में, सी प्रबंधन में और डी परिशोधन में। आज डी नहीं, एक एक दो तीन चार मिलेगा, जल्दी से हम लोग देखेंगे। स-
सही है, बहुत अच्छा। आज क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। डायोड का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? ए मॉड्यूलेशन में, बी दोलन में, सी प्रबंधन में, डी परिशोधन में। चलिए बहुत अच्छा। तो डायोड का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो हम लोग ना प्यूरिफिकेशन में करते हैं, परिशोधन में करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे का सही है, परिशोधन में हम लोग करते हैं। और देख लेते हैं सबसे पहला आंसर किन्हों, सबसे पहला आंसर किसने दिया? तो सबसे पहला आंसर देखते हैं जयपाल कुमार ने दिया, और दूसरा सुनील कुमार का आंसर है। जयपाल ने सबसे पहला दिया, दूसरा सुनील ने दिया। अब हम लोग चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर अपने। तो बताएंगे भारत में किसने परमाणु अंतर्मुखी विस्फोट तकनीक टेक्नोलॉजी की विकसित किया? हाँ जयपाल आप ही का था बाबू, कोई बात नहीं, नेट स्लो चल रहा है, कोई बात नहीं, आंसर देने से मतलब है पहले या बाद में। होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई, राजा रमना और पीके अय्यर, जल्दी से बताएंगे। चलिए बहुत अच्छे बच्चे, बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, तो जल्दी जल्दी ना दवा के आंसर देना है। और बहुत सारे बच्चे का सही भी है, बहुत अच्छा जा रहे हो आप लोग। तो जिन बच्चों ने ना ए आंसर दिया, होमी जहांगीर भाभा, बिल्कुल सही है। और सबसे पहला आंसर आया था रजायूल का, रजायूल का मेरे पास सबसे पहला आया था आंसर। और किसने भारत में अंतर्मुखी विस्फोट टेक्नोलॉजी विकसित किया था? वो व्यक्ति थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ए सही है, जिन बच्चों ने ए किया बिल्कुल सही है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू, थर्ड नंबर बताएंगे। थर्ड नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्रति इकाई सबसे अधिक ऊष्मा देती है? प्रति इकाई सबसे अधिक ऊष्मा देती है, ए बिटुमिनस कोयला, बी लिग्नाइट, सी एंथ्रासाइट और डी पीट कोयला। प्रति इकाई सबसे ज्यादा, चलिए मनु सलोनी, जयपाल, अमृता, नीतू, विकास, यशराज, रोमियो रोमियो राज, कोमल, रजनीश, राजेश, बिल्कुल सही है बच्चे सभी, अच्छा अटेम्प्ट कर रहे हो सभी मिलकर। उपेंद्र, सोनम, अंकित राजपूत और भी बच्चे हैं, 40 के लग, धीरज वर्मा, 40 के लगभग में बच्चे हैं, जल्दी जल्दी कमेंट्स करेंगे। चलिए तो बिल्कुल सही है, सुधा कुमारी का आ गया। और भी कोई बचे हुए हैं? 37 लोग हैं ऑनलाइन, कम से कम ना 20 तो कमेंट्स करें आप लोग। जब आंसर कीजिएगा तभी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आप लोगों को। सोनम कुमारी हाय हेलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओ नहीं, इसका आंसर होगा सी। तो सभी बच्चे ने सही किया, तो बिल्कुल तीन का सही है। जो एंथ्रासाइट कोयला होता है सबसे उत्तम प्रकार का कोयला होता है, एंथ्रासाइट सबसे उत्तम प्रकार का कोयला, इसमें सभी बच्चे सही कर गए। चलिए चार नंबर का बताइएगा, कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार के लिए किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? ए सूक्ष्म तरंग का, बी रेडियो तरंग का, सी एएम का और डी 10^16 के क्रम की आवृत्तियों का।
बिल्कुल, सबसे पहले वाला का नाम जरूर बताएंगे, पिछले वाले क्वेश्चन में सभी ने सही दे दिया मनु जी, इसीलिए किसी का नाम नहीं लिए। चलिए, कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार के लिए किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो सभी बच्चे का गलत है, सिर्फ कन्हैया कुमार का सही है। चार नंबर ना, सभी लोगों का गलत है, सिर्फ कन्हैया कुमार ने सही किया है। हम लोग ना संचार उपग्रह में, कृत्रिम उपग्रह में हम सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग करते हैं। तो ए नंबर सही होगा और कन्हैया बिल्कुल सही है, आप एकमात्र सही करने वाले हैं। चलिए हम लोग आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से पढ़ेंगे। आवृत्ति मॉड्यूलेशन में क्या होता है? आज के क्वेश्चन टफ है। आवृत्ति मॉड्यूलेशन में क्या होता है? ए नियत आवृत्ति, बी नियत आयाम, सी आवृत्ति और आयाम में परिवर्तन, डी केवल आयाम में परिवर्तन। आज मजा आएगा बाबू, क्वेश्चन टफ है, सारे एसएससी के क्वेश्चन है। सारे एसएससी के क्वेश्चन है। डरा नहीं रहे बाबू, बता रहे हैं क्वेश्चन बहुत, क्यों डरा रहे हैं रजाउल, डरा नहीं रहे बाबू, क्वेश्चन ना थोड़ी ना लेवल पे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, क्वेश्चन को ना एक लेवल पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं बाबू। आपकी जीत में हमारी जीत है। तो आवृत्ति मॉड्यूलेशन में ना नियत आवृत्ति होती है, मॉड्यूलेशन आवृत्ति मॉड्यूलेशन में ना बाबू नियत आवृत्ति होती है। तीन बच्चे का सही है, तीन बच्चे का, अंकित राजपूत का, राकेश कुमार का सही है, ठीक है, एक बच्चा और को ही सही किए थे, हम नाम नहीं देख पाए बाबू, एक का और सही था। आवृत्ति मॉड्यूलेशन में क्या होता है? तो नियत आवृत्ति होती है। और क्वेश्चन में हम डरा नहीं रहे, बता रहे हैं, ठीक है ना, कि बहुत अच्छा आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हो। चलिए, आपकी जीत ही हमारी जीत है बाबू, आप क्वेश्चन बताओगे समझो हम बता लिए। चलिए हम छह नंबर पे आ जाते हैं। हाँ राकेश जी आपका सही था, जब एक कार की गति दुगनी कर दी जाए, ध्यान से बाबू, जब एक कार की गति दुगनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी पर रोकने के लिए ब्रेक बल कितना होगा? मतलब एक गाड़ी की गति दुगनी कर देंगे और उतनी ही दूरी पर रोकने के लिए ब्रेक का फोर्स क्या होगा? ब्रेक का फोर्स क्या होगा? चलिए बताएंगे जल्दी जल्दी, ब्रेक का फोर्स क्या होगा? चलिए बहुत सारे बच्चे सही दे रहे हैं, तो चार गुना हो जाएगा, क्योंकि हम अगर गति दुगनी कर रहे हैं ना तो उससे ज्यादा जब बल लगाएंगे तभी हमारी गाड़ी रुकेगी, तो चार गुना होगा। और सबसे पहले अंकित राजपूत का आंसर सही आया, फिर जयपाल चौरसिया का सही आया, रोमियो राज ने भी सही आंसर किया, रोमियो राज ने भी सही किया, उसके बाद प्रीतम सिंह भूमियार ने सही किया, फिर चुन्नू बिहारी का सही है, रंजन कुमार महतो सही है, यश राज सही है, सोनम कुमारी सही है, और भी बच्चे देखते हैं नाम लिए ना सर, बिल्कुल नाम ले रहे हैं, और कोमल कुमार आप भी सही हो। तो छह नंबर का चाओ गुना होगा, अगर हम गति दुगनी करेंगे तो ब्रेक का बल ना हमें चार गुना लगाना होगा,
चलते हैं बच्चे सातवें प्रश्न की ओर, देखते हैं इस बार कौन बताते हैं सही। निम्नलिखित में से किसका विमीय सूत्र आवेग के लिए सूत्र के समान होगा? किसका विमीय सूत्र चलिए मनु जी आपका सही था, सही होगा बाबू, नाम तो पढ़ रहे हैं। सात का जल्दी से बताएंगे, क्या बात है आज तो एकदम गजब यार, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं, हम सोचे थे बहुत कम लोग बताएंगे, मजा आ गया, अब मजा आ रहा है आप लोगों के साथ। चलिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छा है आप लोग, बहुत अच्छे सभी लोगों का। चलिए तो बिल्कुल संवेग होता है बाबू, करा निम्नलिखित में से किसका विमीय सूत्र आवेग के लिए सूत्र के समान होता है? तो वो संवेग होगा। सबसे पहले अंकित राजपूत का सही था ये वाला, अंकित राजपूत का सही था। राजेश जी लगातार आपका गलती जा रहा है। चलिए आठ नंबर के प्रश्न में आ जाते हैं बाबू, आठ नंबर बताएंगे आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा मूल परिणाम है? निम्नलिखित में से कौन मूल परिणाम है? निम्नलिखित में से कौन मूल परिणाम है? आठ नंबर का चलिए बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं, कन्हैया, कोमल, रजनीश, रंजन, राकेश और भी बच्चे दे, सर मेरा साथ तो सही था। बाबू अब एक का कमेंट्स देखना संभव नहीं हो पाता है, जो टॉप कर रहे हैं मैं उनको बता रहा हूं, अगर आंसर सही है तो सही है। मैं तो आंसर बता दे रहा हूं ना बाबू, जो सही जा रहा है उसको सही बोल रहे हैं। अगर आपने सात का दो बनाया होगा तो बिल्कुल सही होगा राकेश कुमार। चलिए बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। चलिए तो आठ नंबर का होगा, निम्नलिखित में से कौन मूल परिणाम है? ए आयतन, वी काल समय, सी वेग और डी बल। तो आठ नंबर का ना होगा, टाइम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मूल परिणाम है? मूल परिणाम है, मूल मात्रक है, तो समय का होता है ना सेकेंड, तो मूल परिणाम बी होगा। और ये वाला ना आठ नंबर सबसे पहले नीतू कुमारी ने सही बताया था, आठ नंबर का समय होगा, टाइम होगा, और नीतू कुमारी ने सही बताया था। चलते हैं बाबू नौ नंबर के प्रश्न की ओर हम लोग। नौ नंबर, जब एक धातु की अंगूठी या छल्ले को गर्म किया जाता है तब क्या? जल्दी से बताएंगे थोड़ा, चलिए बहुत अच्छे, बहुत सारे बच्चे का सही गया इस बार, लास्ट में हमने कमेंट्स देखा सभी का सही था। चलिए तो ए नंबर होगा, जब धातु की अंगूठी या छल्ले को गर्म किया जाता है ना तो वो छिद्र उसका जो होता है वो फैल जाता है, एक्सपेंड्स हो जाते हैं, फैल जाते हैं, तो सो नौ का एक होगा। चलिए हम लोग दस नंबर के प्रश्न पर आ जाते हैं बाबू। यदि एक कस नली का व्यास दुगना कर दिया जाए तो उसके भीतर पानी का उठाव क्या होगा? दोगुना, आधा, चौगुना या उस पर कोई असर नहीं होगा? दस का बताएंगे, दस का, हम व्यास को दुगना कर रहे हैं, ध्यान से।
हम ब्याज को दुगना कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से आप लोग जवाब देंगे। यदि एक केस नली के ब्यास को दुगना कर दिया जाए तो उसके भीतर के पानी का उठाव क्या होगा? बिल्कुल, 10 का जिन बच्चों ने बी बताया बिल्कुल सही बताया, बी बताया बिल्कुल सही बताया, और आधा हो जाएगा, ठीक है ना? वो क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, ठीक है, आधा हो जाएगा। और संतोष कुमार यादव ने सही बताया, संतोष कुमार यादव ने सही बताया। 11 नंबर का बताएंगे जल्दी से, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 11 नंबर बताएंगे, पानी की सतह पर हल्के रखी गई एक लोहे की सुई उस पर क्यों तैरती है? प्रश्न को पहले सुनेंगे फिर आंसर देंगे। पानी की सतह पर हल्की रखी गई एक लोहे की सुई क्यों तैरती है? ए नंबर, जब वह पानी के भीतर रहेगी तब वह अपने वजन से अधिक पानी विस्थापन करेगी। अरे यार, पहले पूरा पढ़ तो लो फिर कमेंट्स करो। चलो दे लो तुम लोग कमेंट्स। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत सारे बच्चे। सॉरी सर, बोलिए क्या क्या बोले बाबू, आप लोग आंसर दो ना। चलिए, बहुत सारे बच्चे का सही है, तो हम लोग ना आंसर अब बताते हैं। तो सी नंबर होगा बाबू, कोई भी चीज ना पानी के ऊपर अगर तैर रही है तो समझ लीजिए वो पृष्ठीय तनाव के कारण, वो पृष्ठीय तनाव के कारण। पानी की सतह पर हल्की रखी एक लोहे की सुई उस पर क्यों तैरती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। तो सी सही है, बहुत सारे बच्चे ने सही आंसर दिया, बहुत अच्छा, दम एक्सलेंट, दम जबरदस्त। लेकिन सबसे पहला रंजीत कुमार ने सही दिया था, बिल्डन रंजीत, बहुत अच्छे बाबू। चलिए 12 बता दीजिए, 12 बताइएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? चलिए 12 का जल्दी से आंसर दे देंगे। ये क्वेश्चन ना एक बार और चुका है, आ चुका है, एक बार और हम लोग पढ़ चुके हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बारे में। जयपाल जी, हम बार बार बोलते हैं बाबू, कमेंट्स ना जब आप छोड़ते हो ना तब मेरे पास आने में ना आगे पीछे हो जाता है, टेंशन मत लो मेरे बाबू, आप अपना काम करते रहो, पहला या दूसरा कोई दिक्कत नहीं है, मेरे आंसर बताने से पहले बताना। चलिए 12 का ना 4 नंबर होगा, 12 का 4 होगा, 12 का 4 होगा, और बहुत अच्छा, बहुत सारे बच्चे बताए हैं। और इसमें सबसे पहले विवेक कुमार का, विवेक, राकेश, रोमियो और राहुल जयकर, अमृता, प्रीतम और कौन है, सोनम कुमारी, ये सभी लोगों का जिनका नाम लिए, उपेंद्र कुमार, ये सभी बच्चे का सही है डी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा। 13 का जल्दी से बताएंगे, थोड़ी क्वालिटी खराब आई है, थोड़ा सा कष्ट कर लेंगे, हम पढ़ लेते हैं, क्वालिटी अगर दिख नहीं रहा होगा तो थोड़ी खराब है। कासा निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? कासा किसका मिश्रण है? तांबा जस्ता, टीन जस्ता, तांबा टीन और लोहा जस्ता। 13 का,
हैप्पी रोय, हैप्पी रोय। आपका लगता है बाबू आज पहला बार कमेंट्स की ओर गलत है बाबू, फिर से ट्राई करेंगे। सुधा कुमारी आपकी भी गलत है। यश राज आपका भी गलत है। राहुल जयकर ध्यान से गलत है आपका। निरंजन बाबू, निरंजन आप भी ध्यान से। हम कासा है, आप लोग ना तांबा जस्ता पे ध्यान मत जाओ। चलिए तो 13 का आंसर होगा सी, तांबा और टीन, तांबा और टीन। 14 नंबर में आ जाते हैं, 14 बताइएगा। हाइड्रोकार्बन प्राकृतिक स्रोत है। हाइड्रोकार्बन स्रोत है। इस बार थोड़ा कमेंट्स नहीं देख पाए, कोई बात नहीं, जल्दी से बताएंगे 14 का। बहुत सारे बच्चे बेल्डन, एक्सलेंट, ऑसम। एक्सलेंट है बाबू, ऑसम है सभी लोगों का। चलिए कच्चा तेल का, तो जिन बच्चों ने ए बोला बिल्कुल सही है, ए बोला क्वालिटी खराब है। हाँ बाबू थोड़ा दो तीन क्वेश्चन का क्वालिटी खराब है, फिर सुधर जाएगा। 14 का ए होगा। चलिए हम लोग 15 नंबर पे आ जाते हैं। कुछ का क्वालिटी खराब है, अब सही हो जाएगा। 15 का जल्दी से, 15 का निम्नलिखित में से क्वालिटी खराब है, ध्यान से सुनेंगे ठीक हो जाएगा। एलपीजी में विद्वान होता है, मुख्यतः एलपीजी में क्या होगा? मीथेन होगा, एथेन होगा, प्रोपेन होगा, ब्यूटेन होगा। जल्दी से बताएंगे, बहुत आसान प्रश्न है 15 का। अभी तक किसी का कमेंट्स नहीं आया। उपेंद्र कुमार फिर से कमेंट करे बाबू, आपसे गलती से एफ हो गया है। चलिए बहुत अच्छा, कमेंट्स आने शुरू हो गए आप लोगों को। आप लोगों के कमेंट्स आने शुरू हो गए हैं। चलिए बहुत अच्छा, चलिए 15 नंबर का बहुत अच्छा। जिन बच्चों ने ना, आपको पता है एलपीजी सिलेंडर में मिश्रण होता है ब्यूटेन और प्रोपेन का, तो बाबू थोड़ा सा देख नहीं पा रहे, मेरा नेटवर्क ना कभी कभी मेरे मोबाइल का ना काम नहीं कर रहा, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। तो 15 का 4 होगा ब्यूटेन। जयपाल जी टेंशन ना ले बाबू, सभी का सही है। चलिए 16 नंबर में आ जाते हैं। निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जो उभयधर्मी ऑक्साइड प्रदान करती है? ध्यान से, निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जो उभयधर्मी ऑक्साइड प्रदान करती है? ए सोडियम, बी सिल्वर, सी एल्यूमिनियम और डी कैल्शियम। जल्दी से बताएं 16 का, इस बार हम देख रहे हैं, इस बार हम देख लिए किनका है। चलिए बहुत अच्छे बच्चे, सही जा रहे हो आप लोग। चलिए बहुत अच्छा, सही जा रहे हो। ऐसी तरह कमेंट्स करें ना, एक दिन ना सभी लोगों का जीके ना बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा। अच्छा ऑप्शन पढ़ दे, ए सोडियम है, बी सिल्वर है, सी एल्यूमिनियम है, डी कैल्शियम है। चलिए
तो बहुत सारे बच्चे जो सी बनाए ना, बिल्कुल सही है, 16 का सी होगा, क्वालिटी सुधर जाएगा 3 क्वेश्चन के बाद। तो सी सही है, और सबसे पहले ना प्रीतम ने सही आंसर दिया, बहुत अच्छे प्रीतम। 17 का बताएंगे, 17 का बताएंगे, कह रहा वह कौन सा कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 90% से अधिक होती है। सोनम जी आंसर बताइए, नाम जरूर लेंगे। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। बिल्कुल एमडी राजौल, कन्हैया, राकेश, मनु, चुन्नू, विकास, नीतू, प्रीतम, राहुल, रंजीत, रोमियो, अमृता, सुधा, जयपाल, ममता, उपेंद्र, संतोष, यश, अमन, कोमल, विवेक, सोनम, निरंजन, रजनीश, अंकित राजपूत, हैप्पी रॉय, चलिए बहुत अच्छा। इस बार ना सभी का सही है मनु जी, पहले का क्या बतावे, सभी का सही है बाबू, इसीलिए पहले क्या बताएं, सभी का सही है। चलिए बहुत अच्छा, इसमें ना एंथ्रासाइट होगा, बहुत अच्छा था सभी लोगों का मनु जी, इसीलिए नाम नहीं लिए। चलिए हम लोग 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा परमाणु के नाभिक में होते हैं, चलिए अवर नाम बता रहे हैं, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं जल्दी बताएंगे। चलिए आने शुरू हो गए, परमाणु के नाभिक में होते हैं, परमाणु के नाभिक में होते हैं, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। राहुल जयकर आपका गलत है बाबू, बदल लिए तुरंत। चलिए बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। चलिए सही है आपका, चलिए। तो बहुत सारे इस बार ना कन्हैया कुमार का सबसे पहले आया था, कन्हैया कुमार का एमडी राजौल का सही था, सी नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 19 नंबर में मिल्क ऑफ मैग्नेशिया किसका का एक निलंबन है, थोड़ा क्वालिटी ठीक नहीं है इस क्वेश्चन का, हम पढ़ देते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नेशिया एक निलंबन है, ए मैग्नीशियम सल्फेट। जल्दी से आप लोग आंसर देने लगते हो, हम क्वेश्चन पढ़ने लगते हैं, इसमें प्रॉब्लम हो जाता है, फिर इस बार देख नहीं पाए कि कौन पहले दिए। चलिए बहुत अच्छा है, चलिए बहुत अच्छा। तो इसमें ना जो लोगों ने ना 19 का 3 दिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बिल्कुल सही है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बिल्कुल सही है। चलते हैं हम लोग 20 नंबर के प्रश्न की ओर। अब देखिए क्लीन आया आप लोगों को,
एक मिनट आप लोग सुनेंगे। दिक्कत क्या है ना कि हम जब तक पूरा क्वेश्चन पढ़ते नहीं है और आप लोग आंसर देने लगते हो तो हम कैसे देख पाएंगे, बताओ तुम ही लोग। पहले बात को समझो, पूरा क्वेश्चन हम पढ़े उसके बाद जवाब दे तब तो हम देख पाए बाबू। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहां होता है? प्रकाश के नीले एवं लाल क्षेत्र में, प्रकाश के हरे एवं पीले क्षेत्र में, सी प्रकाश के नीले नारंगी क्षेत्र में, और डी प्रकाश के बैंगनी एवं नारंगी क्षेत्र में। 20 का। अब देखिए इस बार भी आप लोग पहले कमेंट्स दे दिए, हम अभी खत्म किए हैं, कैसे हम पढ़े? चलिए फिर भी पढ़ लिए जाके। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, इस बार ना बहुत बहुत। चलिए अगले क्वेश्चन में ना सभी का नाम लेंगे, पहले बना लेते हैं हम लोग। तो 20 नंबर ना, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहां होता है? तो प्रकाश के नीले एवं लाल क्षेत्र में होता है। ए नंबर सही है। तो जिन बच्चों ने ए बनाया, बिल्कुल सही बनाया, ए नंबर जो बनाए वो बिल्कुल सही बनाए हैं, ए नंबर ना बिल्कुल सही बनाए हैं आप लोग। तो सबसे पहले ना रंजीत कुमार का आंसर सही था, रंजीत कुमार का सही था। चलिए हम लोग चलते हैं 21 नंबर में। एड्स वायरस क्या होता है? एड्स वायरस क्या होता है? राकेश, प्रीतम, एमडी रजाउल, रोमियो, ममता, परवीन राज, विकास कुरमुरी, रंजीत, ज्योति, रजनी, सुपेंदर, सोनम कुमारी। चलिए बहुत सारे, अमन कुमार, निरंजन कुमार, बहुत अच्छे, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। बहुत सारे बच्चों ने सही दिया 21 का आंसर, लाजवाब, जबरदस्त। चलिए तो इस बार ना सबसे पहले राकेश कुमार ने बताया था एक सूची आरएनए होगा। एड्स वायरस क्या होता है? तो एक सूची आरएनए होता है। सुरेश सिंह, चलिए आज नया बच्चा है, बिल्कुल सही है बाबू आपका पहला भी। चलिए 22 नंबर, देखिए अभी इस चीज का ना बिहार में बहुत प्रयोग हो रहा है, बिहार में शराब जब से बंद हुआ है ना इसका बहुत प्रयोग हो रहा है। शराब पीकर वाहन चलाने के लिए श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस किसका इस्तेमाल करती है? 22 का जल्दी बताएंगे, 22 का जल्दी बताएंगे। चलिए बहुत अच्छा, अब हमारा डिस्प्ले होगा, आप कर सकते हैं। चलिए बहुत अच्छे, बहुत सारे बच्चे ने सही दिया, बहुत सारे बच्चे ने सही दिया, लेकिन बहुत सारे गलत भी हो गए। इसका तो सही जाना चाहिए, शराब बिहार में बंद हो गया उसके बाद। चलिए बहुत अच्छा, तो इसका ना 22 का आंसर हम लोग याद कर लेंगे। पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। 22 का ना पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। 23 नंबर बताएंगे, एंग्लो नूवियन किसकी नस्ल है? भेड़ की, बकरी की, कुकुट की, पशु की?
जल्दी से 23 का बताइएगा। चलिए बहुत अच्छा, 23 नंबर ना, बहुत अच्छा। बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं लेकिन गलत बहुत सारा आया अभी तक। सही मुझे ढूंढना पड़ रहा है बच्चों का। अभी तक ढूंढना पड़ रहा है मुझे। चलिए अंकित राजपूत, वाह बच्चे। चलिए अंकित राजपूत का सही है। एंग्रो नूबियन किसकी नस्ल है? तो बकरी की नस्ल है। एंग्रो नूबियन किसकी नस्ल है? तो बकरी की नस्ल है। चलिए 24 नंबर के प्रश्न में चलते हैं, देखते हैं 24 कौन बताते हैं। 24 नंबर बच्चे, देखते हैं इस बार 24 सभी का नाम लेंगे ध्यान से। किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने में उपयुक्त होता है? जल्दी से 24 का आंसर बताएंगे। क्षारीय, अम्लीय, जलाकरान, जिस मिट्टी में मटियार की मात्रा अधिक हो। सोनम कुमारी, अंकित, निरंजन, मनु, राहुल जयकर, जयपाल, प्रीतम, प्रीत म्यूजिकली, अमृता, कन्हैया, रोमियो, विवेक, यश, संतोष, ममता, निरंजन, उपेंद्र, एक शायद म्यूजिकली टिकटॉक थे। चलिए विकास कुरमुरी, सुरेश सिंह, अमन कुमार, रजनीश कुमार, चलिए बहुत अच्छा, रजनीश, कन्हैया, वाह दोनों पार्टनर आज रजनीश और कन्हैया एक साथ। चलिए तो सही गया रजनीश जी आपका। किस मिट्टी में ना जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने में प्रयोग करते हैं? तो क्षारीय, क्षारीय, ठीक है ना, बहुत अच्छा। 25 नंबर के प्रश्न में आ जाते हैं। 25 नंबर बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? एस्ट्रोजेन, एंड्रोजन, ऑक्सीटोसिन और चार इंसुलिन। 25 का बताएंगे। एस्ट्रोजेन, एंड्रोजेन, कन्हैया, विवेक, अंकित, एमडी राजौल, संतोष। चलिए बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कॉन्फिडेंस से आज आंसर आ रहा है। चलिए बहुत अच्छे बच्चे, और भी कमेंट्स करें जल्दी से। अमृता, शेर दिखाई नहीं दे रहा है। अंकित, बकवास मत करो। चलिए बहुत अच्छे बच्चों, एस्ट्रोजेन बिल्कुल सही है, स्त्रीलिंग हार्मोन है एस्ट्रोजेन, स्त्रीलिंग हार्मोन एस्ट्रोजेन है। और कन्हैया कुमार ने बिल्कुल सही बताया था, एस्ट्रोजेन बिल्कुल सही है। आप सिर्फ डरे नहीं सर, आप सिर्फ डरे नहीं। हम किस बात से डरेंगे बाबू? एमडी राजौल, मुझे किस बात का डर बाबू? आप लोग जीत रहे हो, आप लोग नहीं डर रहे हो तो हम भी डरेंगे नहीं। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है मुझे भी लग रहा है, कोई बात नहीं, ध्यान से सुनेंगे। कठोर शारीरिक श्रम करने वाले श्रमिकों की हथेलियों तथा तलबों की त्वचा मोटी हो जाने का कारण क्या है? जिसको हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं ना, हाँ रजनीश कुमार गुड्डू ही है। चलिए वो कठोर सारी घट्ठा जिसको बैठना बोलते हैं ना बाबू, घट्ठा बैठने के बारे में बोला जा रहा है। किसके कारण? चलिए जल्दी से बताएंगे। सबसे पहले चलिए बहुत अच्छा, कन्हैया, राहुल जयकर और जयपाल का सही था। कन्हैया, राहुल जयकर और जयपाल। अब कन्हैया दो दो हो गए, कंफ्यूजन हो जाता है।
चलिए बहुत अच्छे, तो इनमें से सभी होगा, मोटी बाह्य त्वचा, मोटी चर्म, मोटा अब तक उत्तक, मतलब जब घट्टा पड़ेगा ना तो सारी चीजों की मोटाई बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो रंजीत कुमार आपका गलत है और रजनीश कुमार आपका भी गलत है, ठीक है। 27 नंबर के प्रश्न में आ जाते हैं बच्चे, जल्दी से बताएंगे, टाइफाइड किसके कारण होता है? टाइफाइड किसके कारण होता है? चलिए अंकित, कन्हैया, राकेश गलत है, कन्हैया, संतोष, कोमल, नीतू, उपेंद्र, विकास राज, विवेक, म्यूजिकली, ममता, सुरेश, मनु, जयपाल, अमृता, जितने लोगों का नाम ले रहे हैं सब सही हैं। रजनीश कुमार, सोनम कुमारी, यस गलत है तुम्हारा बाबू, फिर से ट्राई कर। रोमियो राज, बहुत अच्छे बच्चे। राकेश कुमार, एमडी राजा, सर हम बोले थे कि डराए नहीं, सिर्फ सब सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल रजाउल, बहुत मजा आया आज, आज ना सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन मुझे लगा था कि कम बताएंगे, लेकिन नहीं, आप लोग ना अब क्यूज के लाइक प्रेपर हो गए हो, अब आप लोगों में कैपेसिटी आ गई है कि कम समय में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अमन राज बिल्कुल सही है, एमडी राजौल बहुत सही, आई ना मजा ला दिए आप लोग बाबू, मेरी कॉन्फिडेंस को ना आप लोग दुगना कर दिए आज। चलिए बहुत मजा आया, जीवाणु होगा है ना, टाइफाइड किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। 28 नंबर का बता देंगे बच्चे, 28 बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर यूनिवर्सल डोनर है, यूनिवर्सल आदाता है, आदाता है समझिएगा, विश्वव्यापी आदाता कहा जाता है, यूनिवर्सल रेसिपिटेंट है, ध्यान से गलत नहीं कीजिएगा, रेसिपिटेंट, नहीं समझ में आ रहा है, सर्वग्राही, सभी से लेने वाला है। 28 नंबर, कौन सा ब्लड ग्रुप सभी से ले सकता है? नहीं यशराज, तुम्हारा कॉन्फिडेंस हम बढ़ा रहे हैं बाबू, तुम लोग तो मेरी कॉन्फिडेंस हो। कन्हैया, विवेक सबसे पहले बताए थे, फिर निरंजन का आंसर आया, फिर म्यूजिकली टिकटॉक का आंसर आया, फिर रजनीश का आया, फिर यस का आया, बहुत अच्छे बच्चे। इसमें बहुत कम लोग आंसर देने लगे, क्या हो गया अंकित राजपूत, और भी बच्चे दे, रंजीत कुमार सही है बाबू, राहुल जयकर सही है, सही नहीं है गलत है, अंकित राजपूत गलत है बाबू, ध्यान से, नीतू कुमारी सही है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वग्राही है? तो आपको पता है ना ए बी जो है जो सभी से ले सकता है, तो जिन बच्चों ने ना तीन बताया बिल्कुल सही बताया है, 28 का तीन होगा। 29 नंबर बताएंगे, रॉड सेप्ट बैक्टीरिया इज कॉल्ड, रॉड सेप्ट बैक्टीरिया इज कॉल्ड, छड़नुमा बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं? छड़नुमा बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? छड़नुमा बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? कन्हैया, रोमियो राज, रंजीत कुमार, अमृता रानी, प्रीतम, मनु, यशराज, सुरेश सिंह, चलिए बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे। सोनम कुमारी आपका गलत है, उपेंद्र कुमार गलत है, रजनीश कुमार गलत है, अंकित राजपूत सही है, बिल्कुल 29 का ना ए होगा, जयपाल कुमार चौरसिया पहले बताएं,
तो रॉड सेप्ट में जो बैक्टीरिया होता है उसे हम बैसिलस बोलते हैं। रॉड सेप्ट के बैक्टीरिया को ना हम बैसिलस बोलते हैं। सही है राकेश कुमार। 30 नंबर करेंगे। 30 नंबर, स्पंज क्या होता है? कवक है, जीवाश्म है, पादप है, पशु है? 30 का स्पंज क्या होता है? कवक, जीवाश्म, पादप, पशु? 30 का चलिए इस बार सबसे पहले, कोमल का सही आया, अंकित का सही है, कन्हैया सही है, नीतू कुमारी सही है। कवक होते हैं जो स्पंज होते हैं ना, वो कवक होते हैं। और सभी बच्चे सही हैं, सुरेश, रिरंजन, रंजीत, सोनम, अमन सभी सही हैं, स्पंज होते हैं। 31 नंबर आ जाएंगे। बहुत गंदा दिख रहा है, मुझे भी लग रहा है आज कष्ट कर लेते हैं, पता नहीं इतना गंदा कैसे हो गया। इसमें ना बोल रहा है, ध्यान से सुनेंगे, एक युगल मतलब माता पिता की बात कर रहा है। एक का ब्लड ग्रुप ए, एक का ब्लड ग्रुप बी है, उनके बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर पाया जाएगा? उनके जिनका अगर माता ए पिता बी, तो उनका रुधिर क्या पाया जाएगा? चलिए 31 का जल्दी से बता दें। बहुत कम कमेंट्स आ रहे हैं, क्या हो गया बच्चा? बहुत कम आ रहा है। चलिए राकेश, सोनम, निरंजन, उपेंद्र, यस, और जल्दी। आज बहुत सारे बच्चे नहीं दिख रहे हैं। विकास कुरमुरी, क्या हो गया, कहां सो गए? चलिए तो सी नंबर होगा, ए होगा, ए बी होगा, बी होगा और ओ होगा, तो सी नंबर। मतलब अगर ए और बी दोनों ब्लड ग्रुप मिल जाए तो फिर सी होगा। कोई बात नहीं, कोई जरूरी नहीं कि पहले देना है, आंसर अगर पता है तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं मेरे बताने से पहले। चलिए 32 नंबर बता देंगे, इसके बाद वाला पेज सही है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस से होता है? वायरस से होने वाले रोग कौन है? ए पोली पोलियो, बी मलेरिया, सी कुकर खांसी और डी दाद। 32 का पहला है पोलियो, दूसरा मलेरिया, तीसरा कुकुर खांसी, तीसरा दाद। चलिए बहुत अच्छे, जल्दी जल्दी बताएं। ज्यादातर बच्चे का आंसर सही आ रहा है। चलिए समीर माई हाईएस्ट स्कोर, कहां रह गए थे बाबू, लेट कर दिए समीर, और पहले आए, लेट हो जाता है। चलिए तो 32 का ना ए होगा, पोलियो। पोलियो ना वायरस के कारण होता है। 32 का ए होगा पोलियो। अब देखिए 33 नंबर बताइएगा, रोग जनक जीवाणु निर्सारित करते हैं, प्रतिजन, प्रतिरक्षी, हार्मोन, इंटरफेरॉन। 33 का बताएंगे, रोग जनक
चलिए बहुत अच्छा, अब तक सभी बच्चे ने सही, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा ले जा रहे हो बाबू। और कमेंट्स जल्दी जल्दी करो, और जल्दी जल्दी, मुझे उम्मीद है सभी बच्चे ना धीरे धीरे ना एक्सपर्ट हो जाएंगे आंसर देने में। जबरदस्त यार, बहुत अच्छा, लाजवाब परफॉर्मेंस। जैसा परफॉर्मेंस कर रहे हो ना यार, जवाब नहीं है आप लोगों का। चलिए बहुत अच्छा, टिकटॉक नहीं मालूम, हम बताते हैं बाबू। प्रतिजन होगा तो राहुल जयकर, कोमल कुमार, हाँ हाँ हाँ, एमडी राहुल जयकर का सही था इस बार, सबसे पहले था, सबसे पहला सही था। प्रतिजन होगा 33 का, रोगजनक जीवाणु निर्सारित होते हैं तो प्रतिजन। 34, हम टॉप 5 का नाम बताने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, क्वेश्चन कराने के लिए बैठे हुए हैं अंकित राजपूत। नाम बताइए, नाम बताइए यार, क्वेश्चन जवाब दो ना, नाम के पीछे क्यों पड़े हुए हो। 34 नंबर, पार्किंसन रोग के इलाज को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार मिला। पार्किंसन रोग के इलाज को विकसित करने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार मिला। जल्दी से बताएंगे, अभी तक एक भी आंसर सही नहीं आया है। आप सभी कमेंट्स करने वाले बच्चों को बता दे, अभी तक एक भी आंसर सही नहीं आया है इस प्रश्न के। चलिए कन्हैया कुमार, बेल्डन बॉय, बेल्डन बच्चे, बहुत अच्छा। एमडी राजौल, दूसरा कमेंट से बाबू, पहले तुम कर लिए हो। रोमियो राज सही हो, कोमल अमृता इतना लेट से, राहुल जयकर, सोनम, सोनम गलत है, अंकित सही है बाबू, जयपाल सही है। चलिए अरविंद होगा ना, अरविंद कार्लसन, अरविंद कार्लसन 34 का ए होगा, अरविंद कार्लसन। चलते हैं 35 नंबर के प्रश्न की ओर बाबू, हैजा के रोगाणु की खोज किसने किया। 35, हैजा के रोगाणु की खोज किसने किया, कोच, रैनिक, ड्रेसर, हैंसन। बहुत अच्छा, एमडी राजौल, रोमियो, सुरेश, कोमल, अमृता, राहुल जयकर, सोनम, अंकित राजपूत, जयपाल, कन्हैया, नीतू, कन्हैया कुमार, रंजन कुमार, यश राज, संतोष कुमार यादव, कोमल, सोनम, और भी कोई बचे हैं कमेंट्स करने के लिए, जल्दी से कमेंट्स करें। जितने लोग का नाम लिए बस उतने ही लोग कमेंट्स किए हैं, बाकी सब जल्दी से, और लोग भी कमेंट्स करें। निरंजन, और भी कोई बचे हैं जल्दी से, तो इसका आंसर हम बताने जा रहे हैं, रॉबर्ट कोच है, हैजा के रोगाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने किया। सर बायोलॉजी ही है सर जी, नहीं बाबू साइंस आ जाएगा, सॉरी फिजिक्स आ जाएगा, 39 तक के बायोलॉजी है, सारे मिलाकर दिए हैं। हैजा के रोगाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने किया। 36 नंबर चले आते हैं, मधुमेह रोगियों के द्वारा लाए जाने वाला स्वेटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है, स्वेटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है, 5 कैलोरी, 10 कैलोरी, 100 कैलोरी, 0 कैलोरी। मधुमेह रोगियों के प्रयोग में आने वाला स्वेटेक्स में कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है,
रविशंकर, रितेश बहुत देरी के बाद आए बाबू, कहाँ थे? जल्दी जल्दी आ जाना चाहिए 10 बजे आप लोगों को। चलिए बहुत अच्छा, मात्र एक आंसर सही आया है मुझे अब तक, एक आंसर सही आया है, एक आंसर सही आया है, बाकी सभी बच्चे का गलत है। रजनीश कुमार गलत है, कन्हैया गलत है। चलिए दो लोग, तीन लोग का सही आ गया, चार का सही आ गया। तो बता देते हैं, सबसे पहले मनु, अमृता, विकास, एमडी राजौल, अंकित राजपूत, राहुल जयकर, कोमल और जयपाल कुमार चौरसिया ने सही आंसर किया। इट मीन सबसे पहले मनु कुमार ने सही आंसर किया था। मनु कुमार ने शून्य कैलोरी होता है, शून्य कैलोरी होता है। चलिए तो चार होगा। अब आ जाते हैं 37 नंबर के प्रश्न में, सेक्स हार्मोन की खोज किसने किया, सेक्स हार्मोन की खोज किसने किया? ड्रेसर, स्टीनेक, काल्विन, कोहेन। जल्दी से 37 का बताएंगे। जल्दी जल्दी बताएं, बहुत देरी कर रहे हैं आप लोग। तो रंजीत कुमार का सही हो गया, रंजीत कुमार ने बी बोला, बिल्कुल सही है। सेक्स हार्मोन की खोज ना यूजीन स्टीनेक ने किया था, सेक्स हार्मोन की खोज यूजीन स्टीनेक ने किया। नाम याद कर लेंगे बाबू, प्रश्न हार्ड है। सेक्स हार्मोन का पता यूजीन स्टीनेक ने किया था, यूजीन स्टीनेक ने किया था, ठीक है ना। 38 नंबर का बताएंगे, 38 नंबर बताएंगे, किन मूल इकाइयों से मानव के अतिरिक्त भाग तैयार किए जाते हैं? 38 का बताएंगे, तंत्रिका कोशिका, स्टेम कोशिका, हृदय कोशिका, किडनी से मानव के अतिरिक्त भाग से, कौन से भाग से? क्वेश्चन आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, किन मूल इकाइयों से मानव के अतिरिक्त भाग, मानव के अतिरिक्त भाग। तो राजीव कुमार और विवेक कुमार दो बच्चे का सही आंसर आया है, मात्र दो को बच्चे का, स्टेम कोशिका होगा, स्टेम कोशिका होगा। 38 हो गया। चलिए 39 बताइए आप लोग, 39 नंबर, आज संजीत सेस्मा क्षारीय पदार्थों द्वारा अमाशय के भीतरी आचरण को ढक लेने से क्या होता है? चलिए अमृता रानी, हम नहीं देखे, अगर सबसे पहले दिए तो बेल्डन। यस राज, हम जा रहे हैं, मेरा सब गलत हो रहा है। तो गलत हो रहा है तो चले जाओगे यार, रोज मोटिवेशनल शायरी सुनाते हैं कि थककर मत हार।
थक कर नहीं बैठना चाहिए, हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। क्वेश्चन में आज दम है बाबू, बउआ वाला क्वेश्चन नहीं है। अगर गलत हो रहा है ना तो समझो कोई बात नहीं, सुधार लेना। चलिए तो 39 का होगा सलेस्मिका पर पेप्सिन का प्रभाव रुक जाता है, सलेस्मिका पर पेप्सिन का प्रभाव रुक जाता है, मतलब सी होगा, ठीक है ना, सी होगा 39 के। चलिए एक देखिए बाबू, 40 क्वेश्चन नंबर नहीं है, उसके जगह ना 51 डाल दिए हैं, 51 क्वेश्चन कर दिए हैं, 40 ना कट गया है, किसी का स्कैन नहीं हो पाया। 41 बताएंगे, सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा का कारण है। ये बहुत आसान प्रश्न है, जल्दी से बताएंगे। चलिए सभी बच्चे सही कर रहे हैं, एक्सीलेंट, जबरदस्त। यशराज बोले थे ना बाबू सही हो जाएगा, देखो तुम सही कर दिए। रितेश, समरिता, यश, उपेंद्र, और भी बच्चे हैं, जल्दी से। आज बहुत कम कमेंट्स आ रहा है, बहुत कम, डेली की अपेक्षा ना आज कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लेवल का हो जाता है, कमेंट्स कम जाते हैं। चलिए 41 हो गया, 41 का नाभिकीय संलयन होगा, 41 का ना नाभिकीय संलयन होगा। एक बार ना, अब ना वीडियो को आप लोग जो लाइक नहीं किए ना, एक बार लाइक कर दीजिए, एक बार ना लाइक कर दीजिए, आज लाइक बहुत कम मिला है। देखिए 21 हो गया, जल्दी जल्दी लाइक करें। आज क्वेश्चन सीजीएल का है, बिल्कुल मिलाकर लाएंगे, रेलवे सीजीएल सब मिला के लाएंगे। जल्दी जल्दी लाइक की संख्या बढ़ा दें। जितने भी 28-30 लोग देख रहे हैं, सभी लोग ना एक बार वीडियो को लाइक कर दें। चलिए 25 हो गया, 30 पास पार करें, 30 पार करिए। आज दो लोगों को पसंद नहीं आया मेरा वीडियो, वाह, दो लोग निगेटिव में हैं। चलिए 26 हो गया, 4 बाकी रह गया, 28 हो गया, 28 हो गया। चलिए 28 हो गया, बहुत अच्छा। चलिए 30 भी हो जाएगा, उम्मीद है कि मेरा अगला क्वेश्चन करते करते ना 31 हो गया, जबरदस्त। जो निगेटिव में मार दिए थे ना वो पॉजिटिव में आ गए, पासा पलट लिए। चलिए बाबू 42 नंबर चलते हैं, 42 नंबर चलते हैं। बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हम टंगस्टन का प्रयोग क्यों करते हैं। एमडी राजौल का आंसर आ गया है, एमडी राजौल का आंसर आ गया, राजीव कुमार आ गए, संतोष कुमार, उपेंद्र आ गए, कन्हैया, अमृता, चुन्नू बिहारी, रजनीश, समीर, यश, विवेक, रोमियो, राहुल जयकर, रितेश, राजीव, प्रीतम, मनु, निरंजन, सुरेश, कन्हैया, अंकित, सोनम कुमारी, और भी बच्चे बच रहे हैं क्या, रंजन कुमार महतो, और भी बच्चे हैं, जल्दी से कमेंट्स करें। उम्मीद है कि सभी लोग कमेंट्स करेंगे, अभी 5-6 तो और आना चाहिए बच्चे। अब तो नाम याद हो गया, जो जो कमेंट्स नहीं करते उनका तो नाम बता सकते हैं हम। चलिए तो 42 का ना बिल्कुल सही है बच्चे, 42 का होगा, इसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है, तो 42 का 4 सही है। हम लोग आ जाते हैं कितने नंबर में, तो 43 नंबर में।
दीर्घ स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्ध्य कितना होता है? विकास कुरमुरी बहुत अच्छे बाबू 43 बताएंगे। दीर्घ स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्ध्य कितना होता है? जितना प्रकाश का होता है उतना ही होता है। चलिए बहुत अच्छा, आप तो पढ़ भी नहीं पाए इतना जल्दी कमेंट सब मार दिए। यस राज इस बार गलत कर गए बाबू, उपेंद्र गलत कर गए, रितेश राज का सबसे पहले सही आया, रितेश राज का सबसे पहले सही आंसर आया। और भी बच्चे जल्दी से कमेंट्स करें। अब रितेश राज का कमेंट्स काफी ऊपर चल गया, आप लोग देख के भी नहीं बता सकते हो कि क्या किए थे रितेश राज। राहुल जयकर, विवेक कुमार, मनु कुमार, और भी बच्चे हैं, जल्दी से कमेंट्स करेंगे बट चेक करें अच्छा से। एमडी राजौल होता क्या है ना बाबू, आप सबसे पहले वहां से भेजते हो, मेरे पास पहुंचने में ना आगे पीछे हो जाता है। यस राज अब क्वेश्चन कहां से लाएं बाबू, बिल्कुल आता है, बच्चा की तरह क्वेश्चन करते हो बाबू, एग्जाम में क्वेश्चन अलग से थोड़ी आएगा, सारे प्रश्न तो देख रहे हो ना, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम लैम्बर्ट का नियम किससे संबंधित है? हम लोग ना क्वेश्चन ना 2005 से शुरू किए हैं, धीरे धीरे आगे चले जाएंगे, 16 17 18 तक के चले आएंगे। लैम्बर्ट का नियम किससे संबंधित है? 44 का बताएंगे लैम्बर्ट का नियम। लैम्बर्ट का नियम किससे संबंधित है? चलिए तो लैम्बर्ट के नियम का संबंध होता है प्रदीप्ति से, प्रदीप्ति से। और सबसे पहले एमडी रजाउल का आंसर सही है, लैम्बर्ट का नियम संबंधित है प्रदीप्ति से, और रजाउल और विवेक कुमार का आंसर सही है, ठीक है ना। 44 के बाद चलते हैं बच्चे 45 नंबर में, 45 कौन बताते हैं देखते हैं। सबसे पहले निम्नलिखित में से कौन सा नियम वैध ठहराता है कि द्रव का ना सृजन किया जा सकता है ना विनाश किया जा सकता है? 45 का, 45 का ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के बाबू, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के, ना द्रव का सृजन किया जा सकता है ना विनाश किया जा सकता है। कमेंट अभी तक नहीं आया क्या? मेरी आवाज नहीं जा रही आप लोगों को? मेरा नेट काम नहीं कर रहा लगता है। अच्छा मेरा ही काम नहीं कर रहा था नेट, चलिए ठीक है। मेरी आवाज जा रही है ना आप लोगों को? मेरी आवाज जा रही है आप लोगों को? चलिए क्लियर आ रहा, बहुत अच्छा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम होगा, देखिए द्रव की बात कर रहा है ना, द्रव्यमान संरक्षण का, यहाँ ऊर्जा संरक्षण बहुत सारे बच्चे मार दिए, तो ऊर्जा संरक्षण मारने वाले ना गलत हो गया, ऊर्जा संरक्षण मारने वाले गलत हो गया बाबू, द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है, ठीक है ना, द्रव्यमान संरक्षण का। 46 नंबर में चलते हैं जल्दी से, डेसीबल इकाई का प्रयोग किया जाता है, डेसीबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। कन्हैया, एमडी राजौल, अमृता रानी, कन्हैया, रितेश, विकास, मनोज शर्मा, चुन्नू, मन्नू, प्रीतम, कोमल, रंजन, यश, रंजीत, रोमियो, समीर, रजनीश, उपेंद्र, सतीश, विकास।
बस इतने ही बच्चे, राहुल जयकर। और बच्चे जल्दी जल्दी कमेंट्स करेंगे, थक गए। निरंजन कुमार, बहुत अच्छे बच्चे, गुड अटेम्प्ट। अंकित राजपूत, हिला के रख दिया। सोनम कुमारी, बिल्कुल जबरदस्त। प्रीतम राज, नहीं कोई बात नहीं बाबू, यशराज थक गया, कोई बात नहीं। तो सी होगा ध्वनि के तीव्रता के लिए। अब ना 47 नंबर बताइए, निम्नलिखित में से अधिक जलन कौन पैदा करेगा? उबलता हुआ पानी, गर्म पानी, भाप और पिघली हुई प्लावी बर्फ। 47। चलिए, एमडी राजौल, अमृता रानी, मनु कुमार, संतोष यादव, चुन्नू, रितेश, कन्हैया, विवेक, समीर, सतीश, अंकित, विवेक, कन्हैया, कोमल, यश, रजनीश, प्रीतम, रोमियो राज, हिला के रख दिया यार, राहुल जयकर, मनोज शर्मा, रंजीत कुमार, उपेंद्र कुमार। यार दम फुला दिए मेरे बोलते बोलते। और भी कोई बच गए क्या? नाम जल्दी से लेना है मुझे, जल्दी से बताइएगा। जबरदस्त है, लाजवाब। आज सोनम कुमारी कहां रह गए थे? और पहले करे सोनम जी। चलिए, तो भाप होगा है ना, स्टेम होगा। सबसे ज्यादा जलन जो होती है वो भाप में होती है। अब तीन ना अविष्कार अविष्कारक के नाम बताना है, तीन तीन अविष्कार अविष्कारक के नाम बताना है। तो सब तरह का क्वेश्चन आज लेकर आए थे आप लोगों के लिए। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया? 48 का बता देंगे। चलिए, एमडी राजौल, संतोष, चुन्नू, मन्नू, अमृता, विकास, कन्हैया गलत है, कोमल गलत है, राहुल, रंजीत, समीर, सतीश, निरंजन गलत है, प्रीतम सही है, मनोज सही, रंजन सही, रोमियो, रंजीत, उपेंद्र, रितेश, यशराज गलत, रजनीश, कोमल सही, रितेश राज सही, मनोज शर्मा। हिला के रख दिया बच्चा आज तुम लोग। लाइक मैंने बोला था 30 पुराने के लिए, 31 हो गया था, फिर घटा के उसको 30 कर दिया। 31 ज्यादा हो जाए अच्छा है बाबू, कम मत करना। ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और करवाएं बाबू। चलिए, बिजली के बल्ब का आविष्कार ना थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था, सही है। चलिए 49 नंबर, संलग्नता की खोज किसने किया? संलग्नता की खोज किसने किया? अंकित राजपूत, सोनम, निरंजन, कन्हैया, मनोज शर्मा, एमडी राजौल, मनु, रंजीत, प्रीतम गलत है, प्रीतम, रितेश गलत, विवेक गलत, रोमियो गलत, रंजीत सही, अंकित गलत, समीर गलत, रंजन गलत, निरंजन गलत, यश गलत, विकास गलत, कोमल सही, अमृता गलत, उपेंद्र गलत। तो जिन बच्चों ने ना बी बताया उनका सही है, मॉर्गन सही है। संलग्नता की खोज ना मॉर्गन ने किया है, ठीक है। 50 नंबर में चलते हैं। अब देखिए, अब क्वेश्चन ना अध्ययन से आ गए, अध्ययन से क्वेश्चन आ गया। वायुमंडलीय घटना का अध्ययन करना क्या कहलाता है? आज ना हम सभी प्रकार के क्वेश्चन लाए हैं। देखिए 2014 में पूछा गया है, CGL में है, LDC में है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। वायुमंडल का अध्ययन करना क्या कहलाता है? हिला के रख दिए बाबू, सभी लोग सही हो, जबरदस्त परफॉर्मेंस, एक्सीलेंट, सुपर।
झक्कास। बोले तो झक्कास, लाजवाब, जबरदस्त, बर्ड खत्म हो गया मेरे पास। क्या और आप लोगों के लिए प्रयोग करें? मुझे लगा था आज टफ है, लेकिन नहीं, आप लोगों ने आसान बना दिया। अच्छा, जबरदस्त सिखा सकते हो बाबू मुझे नए नए बर्ड बोलने के लिए? कितना क्वेश्चन है सर? बस एक क्वेश्चन और बच गया बाबू, चूंकि 40 मिस कर गया था ना, 40 मिस कर गया था, तो उसके जगह एक कॉमन डाल दिए। संजीव कुमार सिंह, नींद से सोए थे क्या जो लास्ट में आए हो? क्या बच्चा तुम पढ़ोगे, मुझे तो कोई लक्षण ही नहीं दिखता है। 51 नंबर में बताइएगा, सबसे लास्ट क्वेश्चन है बाबू, शेयर करने के लिए बोले। देखिए खुद से शेयर कर दिया करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। एक बार ना सबसे लास्ट क्वेश्चन चल रहा है ना, सभी लोग ना अपने व्हाट्सएप ग्रुप में फैला दें, 30 लोग अभी देख रहे हैं ना, सारे लोग फैला दें। 51, एक बच्चा की इच्छा थी ना कि सभी लोग को बोलिए शेयर करने के लिए, बोल रहे हैं शेयर करें। बिल्कुल, हम भी बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, लेकिन आप लोग शेयर नहीं करते बाबू। वायुमंडल के अध्ययन करना क्या कहलाता है? वायुमंडलीय घटना का। मनु जी साफ तो दिखा हुआ दिख रहा है बाबू। चलिए 51 का जो भी बच्चे ना, प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया? तो 51 का दू होगा लुई पास्टर ने किया था, तकनीकी प्रशिक्षण तकनीकी लुई पास्टर ने किया। बी नंबर सही होगा 51 का। तो आज का खत्म हो गया, आज हम लोग खत्म कर लिए सारे क्वेश्चन। चलिए तो एक बार जैसा कि लिखा हुआ है कि जीके विथ रवि रंजन लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, तो जिन बच्चों ने ना सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर ले सभी। बहुत सारे आज नए बच्चे आए थे, सब्सक्राइब कर ले और शेयर जरूर करें। जैसे ही खत्म होता है ना, सब अपने ग्रुप में फैला दें, सभी लोग। हम इतने सारे लोग से व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं, फेसबुक पर जुड़े हुए हैं, लेकिन मुझे कोई नहीं मिलता है, एक भी बच्चे का फेसबुक पर दिखाई नहीं देता है। अभी देखिए लाइक 30 था, कोई 29 कर दिया। क्या बाबू, हम आपके लिए ऐसे ही 1.5 घंटा टाइम निकाल कर मेहनत करते हैं, उसके बाद भी आप लोग ऐसे करते हो? आप लोगों के लिए वही सही होता है जो पैसा लेके पढ़ाते हैं। आपके लिए हम 1.5 घंटा समय देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप लोग इसके साथ जोड़िए, फिर भी आप लोग नहीं करते हो। चलिए एक बार सभी लोगों को गुड नाइट, है ना। उपेंद्र कुमार, रजनीश कुमार, देखते हैं कौन कौन गुड नाइट बोल रहे हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। राहुल जयकर, गुड नाइट। उपेंद्र, अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का करें, क्योंकि उससे वही उठाते हैं जो हल्के होते हैं। बिल्कुल बाबू, मेरे अंदर अहंकार नहीं, आप लोग समझो। निरंजन, यस, संजीव, जयपाल, सभी को गुड नाइट। रजाउल, गुड नाइट बाबू। जयपाल, गुड नाइट। कन्हैया कुमार, नोमेरिकल टाइप क्वेश्चन बाबू सॉल्व नहीं ना हो पाएगा, नोमेरिकल टाइप क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। हम बोले हैं नोमेरिकल के लिए कि अलग टीचर हम रखने वाले हैं, वो सॉल्व कराएंगे नोमेरिकल चैप्टर वाई चैप्टर। राहुल जयकर, गुड नाइट। खाना खा लिए सर? हाँ निरंजन जी, हम खाना खा के आप लोगों के पास क्यूज में आते हैं, आप मेरे लिए नहीं किए सर। ओ भूल गए रजाउल, कल करेंगे पक्का। सभी लोग ना, आप लोग ना, आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है।
मैंने टेलीग्राम चैनल बना लिया है और लिंक उसका नीचे में डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, आप लोग ना उसे ज्वाइन कर ले। उसमें ना हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाल रहे हैं। अभी रेलवे का सीवीटी टू होने वाला है, उसकी तैयारी कैसे करनी है वो भी वहाँ डाला हुआ है। एग्ज़ाम में क्या क्या प्रश्न पूछेंगे ये भी उसमें वो भी डाल दिए, तो आप ज्वाइन करके देख लीजिए। आप टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद ना जीके विथ रविरंजन सर्च करेंगे आ जाएगा, चाहे @GKGS जीके विथ रविरंजन सर्च करें आ जाएगा बाबू। उसमें सभी तरह के क्वेश्चन डाल रहे हैं, आप ज्वाइन तो करें, करंट अफेयर का भी डाल रहे हैं क्वेश्चन। आप लोग सभी लोग टेलीग्राम के साथ जुड़ जाएं मेरे। देखिए आपको शायरी सुनाते हैं, वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में भीड़ बनकर रह जाते हैं, वह पाते हैं जिंदगी में खामोशी कामयाबी जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। टेलीग्राम में नहीं मिलता है सर, हम लिंक दे रहे हैं ना, लिंक से आप चले जाइए। वीडियो के हर वीडियो के लिंक डाल देंगे हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर ले। आज इस वीडियो में ना अपने अपने व्हाट्सएप का भी चलिए, बहुत अच्छा। तो आज का ना नंबर नहीं है सर, नंबर नहीं है। जिन बच्चे के पास नंबर नहीं है मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करने के लिए लिख सकते हैं 9204 9204536387। कोई भी बच्चा जो मेरा नंबर जानते हैं ना वो कमेंट्स बॉक्स में मेरा नंबर कमेंट्स कर देंगे ताकि सभी बच्चे को मिल जाएगा। चलिए लास्ट में ना एक मोटिवेशनल शायरी सुनाते हैं और सभी को शुभ रात्रि बोलते हैं। सुनना है सभी को मोटिवेशनल शायरी? देखिए बहुत सारे बच्चे ने कमेंट्स कर दिए, जिनके पास नहीं है ना वो उनका पास हम लिंक भेज देंगे, आप सिर्फ टेलीग्राम का लिंक मांग लीजिएगा मुझसे। सुनना है ना शायरी? चलिए सुनिए। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हीं को होती है सफलता, हासिल उन्हीं को होती है सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते, जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। तो सभी बच्चे को मेरे तरफ से सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि। एक ना मेरे टेलीग्राम का दो दो लिंक है, एक गलत है। एक में लिखे रहा, एक में जिसमें रियल लिखा रहेगा वो सही है, जीके विथ रविरंजन रियल, जीके विथ रविरंजन रियल जो लिखा है वो सही है। क्योंकि एक किसने बना दिया मुझे भी नहीं पता, एक कौन बना दिया मुझे भी नहीं पता, जीके विथ रविरंजन रियल लिखा हुआ है वो सही है। तो सभी बच्चे को मेरे तरफ से गुड नाइट, शुभ रात्रि, कल का दिन मंगलमय हो, और सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और ज़्यादा बच्चे को सब्सक्राइब कराएं। चलिए धन्यवाद सभी को, शुभ रात्रि, बाय बाय। चलिए बाय सभी को।